मैं बोलूंगा लड़ेंगे तो आप लोग बोलेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय आदिवासी। साथियों, हमारा समाज सबसे पीछे चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि समय समय ही सही अन्य समाज के भांति आगे बढ़ रहा है, और उसमें तमाम सामाजिक संगठन 700 कम्युनिटीज हैं भारत में, और उन सबका लीडरशिप ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन एक शिक्षित समाज का कर रहा है। इसके लिए आप सब लोग ऑल इंडिया फेडरेशन को धन्यवाद दीजिएगा ताली बजा के, कि इन्होंने पूरे भारत में अपनी पहचान अपनी जगह बनाने का नेतृत्व संभाला है। निश्चित ही आदिवासी समाज सबसे पीछे रहा है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब हमको मिलकर काम करना है, पूरे भारत के आदिवासियों को मिलकर काम करना है ताकि हम एक समाज रहे, और लगातार प्रयास से ही ये संभव होगा। निश्चित ही भारतीय संविधान में पूरे प्रावधान लिखे हैं, लेकिन हम लोगों की कमी क्या है, हमने कभी पढ़ा नहीं उसको। क्या आप सबके पास संविधान है, एक बार हाथ उठा के दिखाइएगा सबके पास संविधान का बुक। 10-20 हम कुछ लोग ही पढ़ रहे हैं, 75 साल हो गए 1950 से भारतीय संविधान लागू हुई, उसमें एक एक बिंदु है। क्या मैं जानना चाहता हूं इस देश में 1950 के पहले भारत सरकार थी नहीं थी, कमोबेश नहीं थी, मुगलों की शासन थी, अंग्रेजों का शासन था, भारत सरकार नहीं। तो उस पुराने समय से हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, तो सारा जल जंगल जमीन तो हमारा था, लेकिन आज की सरकार बोलती है आप आवेदन दो, और हमारे लोग मानते हैं हमको जमीन दो, जबकि पेशा कानून जो 1996 पास हुआ था उसमें सारे प्रावधान है, और आप अपना आवेदन दोगे कि ये मेरा जमीन है, वो सरकार को मानना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम लोग इसी समस्या को उठाकर पूरे समाज सड़क पे आए, एक महीना आंदोलन किए पूरे 145 ब्लॉक में, उसके बाद पूरा प्रदेश बंद किए पदोन्नति आरक्षण के लिए, उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन किए अभी 17 तारीख को। इस तरह लगातार अनेक संगठन है, सर्व आदिवासी समाज वहां प्रमुख संगठन है जिसमें 42 जनजाति के लोग काम करते हैं, उसमें हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन, हमारा शासकीय सेवक संघ और बहुत से संगठन में काम कर रहे हैं। निश्चित ही संगठन में शक्ति है, अगर आप अपनी ताकत दिखाओगे। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार 90 विधायक में 71 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन और बाकी विपक्ष है, लेकिन उससे नहीं डरता छत्तीसगढ़ सरकार, वो डरता है तो सर्व आदिवासी समाज, आदिवासी समाज से डरता है कि क्या कर देगा और क्या कर रहा है। तो ये हमारी ताकत। मैं आगे अपने फेडरेशन से निवेदन करूंगा, पिछले बार भी निवेदन किया था, शायद ध्यान में है नहीं या प्रस्ताव लिए है नहीं, जो 2000 में फर्जी जाति प्रमाण माधुरी दीक्षित माधुरी पार्टी वाला फैसला हुआ था, वो 2 या 3 लोगों को बेच कर था, उसको हमको संविधान पीठ में ले जाना चाहिए। उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग जितने लड़ाई लड़े छत्तीसगढ़ सरकार में 680 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के घोषित किए लिस्ट, उसमें 350 अकेले मैंने नाम दिया है फर्जियों का, 350 लोगों का। जातिवाद कमजोरी आदिवासियों में क्यों नहीं है, और जो छोटे मोटे हैं वो पेशी बढ़ाने काम करते हैं तारीख पर तारीख, उसको उतना हायर ज्ञान नहीं है कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कैसे रहे, और वो लोग हाई कोर्ट में भी हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां पर हम असमर्थ हो रहे हैं। तो हमारा फेडरेशन से निवेदन है कि ये 2000
नवंबर 2000 का जो फैसला है माधुरी पाटिल मिलिंद वाला, उसको संविधान पीठ में ले जाया जाए ताकि जितने जांच हो चुके हैं वो सब बाहर हो। उसका कारण यह है, फैसले में कहा गया है कि जो अब तक जांच में फर्जी पाए गए उसको निकाला न जाए और उसको जर्नल से नीचे रखा जाए, मतलब टाइबल से ऊपर रखेगा। वो फर्जी है उसको टाइबल से ऊपर रखेंगे और सेवन पर करार रखेंगे। तो हमारा पॉइंट है, निवेदन है कि उसको पूर्णतः जब फर्जी घोषित है नौकरी में रहना ही नहीं चाहिए, उसको निकालने की बात करना चाहिए। ये पॉइंट हम लोग हमको लेके जाना चाहिए ताकि हमारे बहुत से लोग वंचित हो चुके हैं अपने हक और अधिकार के लिए उसको प्राप्त कर सके। दूसरा, अभी हमारे देश में हो चाहे कहीं भी हो, हमारे अधिकार को कोई पढ़ता नहीं है और ना कोई देता है। हमको हर लड़ाई अपने से लड़ना है, समाज को संगठित करके लड़ना है, तभी मिलेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में अभी 32 टाइगर विधायक है 90 में, लेकिन एक भी आदमी नहीं बोलता पदोन्नति में आरक्षण क्यों नहीं है, ट्राइबल रोजगार कमिटी क्यों नहीं है, या पैसा कानून क्यों लागू नहीं किया। वो तो हम लोग लड़ के लाए हैं। तो हम बड़े बड़े आईएएस को संगठन से आईएएस रहे हैं, बड़े बड़े उनको बनाए, चलो ये ज्यादा प्रखर होगा, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा डरता है सोशल मूवमेंट से, तो वो लोग भी जाके अचानक बहुत बोलने वाले अचानक से गूंगे बहरे लंगड़े अंधे हो गए। हम बोलते हैं उनको, आप पहले इसी स्टेज पे आके बोलते थे, अब अचानक से आपको क्या हो गया, क्या था? अंधे लंगड़े गूंगे बहरे हो गए, समाज के साथ आप धोखा कर रहे हैं। और हमारा सरकार से विरोध नहीं है, हमारा अपने जनप्रतिनिधियों से विरोध कि आप बोल भी रहे हो और इसके कारण हमको अभी अधिकार और हक नहीं मिल रहा है। अभी 9 अगस्त विश्व आदिवासी बड़े जोर शोर से मनाते हैं हम लोग, हमारे सरकार ने छुट्टी भी कर दिया है तो पूरे बाल बच्चे स्कूल मास्टर सब पूरा प्रदेश मनाते हैं। लेकिन 13 अगस्त तक को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया है उसको मनाने के लिए पिछले साल शायद असम में मना था, हमारे साथियों ने बताया, तो भारत आदिवासी राष्ट्रीय समन्वय मंच के माध्यम से अभी वेबिनार में 23, 24 और 30 तारीख को चर्चा होगा, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में आयोजन करने का उसका सहमति दिए हैं। 3 दिन का होगा 13 सितंबर से, और अभी 14 तारीख को जो भी स्टेट का प्रतिनिधि है तो उससे भी हमारा समाज मिलने का टाइम मांग रहा है, और आप लोग भी आते हैं तो रूबरू बातचीत होगी। क्योंकि जैसे उनकी नाम की घोषणा हुआ पहले बोल रहे मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू और आदिवासी में क्या अंतर है, या तो उसको ऐसी समझाना पड़ेगा, और अभी से हम अपना एजेंडा तय करके 13-14 जो सितंबर है अभी आदिवासी अधिकार दिवस उसमें हम लोग बुलाने का प्रयास करेंगे, ताकि पूरे भारत के 1.5 से 2 लाख लोग इकट्ठा होंगे रायपुर में, उसके सामने हम लोग अपनी समस्या या समाधान के कारण या जो भी नियम कायदा है उसको एक एजेंडा बना के देंगे। अभी हम लोग 24-25 मई को राष्ट्रपति से मिलने भी गए थे, दरबार हमारा संगठन है, झारखंड बंगाल असम से बना हुआ है, और हम लोग क्षेत्रीय अनुसूची की स्टडी करने के लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के साथ मेघालय असम गए थे, तो बहुत सारी चीज को अध्ययन किए हैं। तो मेरा एक और थोड़ा सा निवेदन है संगठन से, एक हमको जैसे बामसेब की बात आई तो बामसेब में हम लोग 55 दिन का मैं 10-15 ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, कभी गंगटोक में, कभी केरल में, कभी उदयपुर में, कभी जयपुर में, कभी विशाखापट्टनम में, इस तरह। तो हम भीड़ न बढ़ाए, इतने ही लोग आके कम से कम 1-2 दिन का सब्जेक्ट और 2-3 घंटा कम से कम चर्चा करें तो हमारा सब्जेक्ट मजबूत होगा, हम लोगों को समझा सके तीनों को, और उसमें ये जोड़े कि आने वाला हमारा भविष्य हमारे युवा हैं। आज कल तक शायद नहीं पढ़ते रहे होंगे, आईआईटी एनआईटी एलएलएम आईआईएस तमाम पदों पे आप पहुंच गए, तो क्या हम सामाजिक तौर से उनसे बात करें, वो क्या सोचते हैं आरक्षण के बारे में,
75 साल हो गए हमारे सरपंच को पूछते हैं आरक्षण का मतलब क्या है, हमको नहीं पता बोलते, और दूसरे लोग आरक्षण खत्म करो बोल रहे हैं। ये गैप को खत्म करने के लिए हमको युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो ये एम्प्लाइज फेडरेशन की ओर से, आदिवासी एम्प्लाइज फेडरेशन की ओर से नागपुर में हो, ये सेंट्रल पड़ता है पूरे भारत का, पूरे देश के युवाओं को एक बार दो दिन का एक दिन का बुलाया जाए कम से कम, और ये परिस्थितियों को उनको बताया जाए कि प्रतिशत वो आ रहे हैं वो भी समझे, और देश की परिस्थिति और देश के हालात हमारे साथ क्या है उसको समझना चाहिए, ताकि उन लोग क्या सोचते हैं वो भी उभर के आएगा। पेशा कानून के बारे में हमको अच्छे से जानना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, और 13, 14, 15 सितंबर को जो छत्तीसगढ़ में होने वाला है आपके सब सबके सहयोग से 3 दिन का कार्यक्रम, वो सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और सभी प्रकार के आदिवासी समस्या मुद्दों को लेकर सभी स्टेट के प्रतिनिधित्व, कल्चर, रहन सहन, बोली भाषा पे चर्चा होगी। उसमें 3-4 मंच बनेंगे, युवा का, महिलाओं का, एक जर्नल मंच और कार्यक्रम भी होगा। तो यहाँ के जो भी ऐतिहासिक चीज है उसको उस मंच से आप लोगों के सामने, आदिवासी जो भी समाज है उनके सामने रख सकते हैं। आगे हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि हमको तहसील ब्लॉक तक जाना चाहिए। निश्चित है, अगर हम समस्याओं को जड़ तक नहीं पहुंचाएंगे, वहां तक नहीं जाएंगे, तो समस्या को ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि 75 साल से हमारे राजनीतिक जनप्रतिनिधि है वो समस्याओं का शायद समाधान को नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए सब समाधान क्या करेंगे। तो हमारा बड़ा दायित्व है शासकीय सेवक संघ कर्मचारी होने के नाते कि समाज में सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है हमी लोग, तो हमको अपने गांव की समस्याओं को लेकर गांव, ब्लॉक, तहसील, जिले के ऊपर फोकस करके संगठन को मजबूत बना के कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तब हमारी समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करने वाली है, हमको अपना समस्या खुद हल करना है, उसके लिए संगठन बहुत जरूरी है। तो संगठन को नीचे तक ले जाना है। कोरोना काल में हम लोग छत्तीसगढ़ में पीछे रह गए, लेकिन अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संगठन का वजूद दिखे, और हम लोग छोटा कार्यक्रम, ये ऐसी मीटिंग वीटिंग का आयोजन सोचे थे करेंगे करके, लेकिन अब बड़ा कार्यक्रम 13 सितंबर का मिल रहा है, तो उसमें सभी लोग, सभी संगठन आए, ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, और आमंत्रित भी करता हूँ, क्योंकि उस आयोजन में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। और बिना लड़े आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात, हमारे जो पुरखे लड़े हैं वो 1800 से नहीं 1700 से पहले से लड़ रहे हैं, तो हम अपने महापुरुषों का जीवन परिचय नहीं जानते, वो कितना संघर्ष के क्षेत्रीय स्तर पे आप जानते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे बस्तर का 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ, झारखंड वाले 2-4 लोगों को जानते हैं, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, छत्तीसगढ़ शहीद भाई नारायण सिंह, गैन सिंह, कुंडाधूर, यहाँ स्टेट माके रानी दुर्गावती, ऐसे तमाम, तो करीब 100 क्रांति की है आदिवासी देश में, सबसे ज्यादा 100 क्रांति का लिस्ट है मेरे पास। तो अपने अपने क्षेत्र के जो भी क्रांतिकारी है उसका भले एक पेज लिखे, लेकिन आने वाले भविष्य में बच्चों को हम बता सके, एक पेज रहेगा तो उतना तो जानेगा नहीं। ये देश बनिया ब्राह्मण मरवाड़ियों का देश है, उन्हीं का इतिहास गाएंगे जो कभी एक बूंद खून नहीं गिराएंगे इस धरती पर। तो मैं निवेदन करूंगा अपने अपने क्षेत्र के इतिहास को खंगाले, और एक एक पेज, एक एक महापुरुषों के बारे में कम से कम लिखे, तो आने वाले हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे, जानेंगे, नहीं तो इतिहास में दफन होने वाला है ये। तो अंत में मैं अपने महापुरुषों को याद करते हुए 2 शब्द लाइन कहूंगा और अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और बहुत सारे लोगों को और जितने भी आए प्रतिनिधि हमारे राज्य से, वो सबको बात है। तो आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर उन्हें सलाम करें जिसके नसीब मुकाम आया है, और खुश नसीब में हम सब लोग हैं जिसके लहू, जिसके लहू देश के काम आया है, जिसके लहू देश के काम आया है। जय जवाहर, धन्यवाद, जय आदिवासी।